कलर्स टीवी का शो प्रचंड अशोक फाइनली कलर्स टीवी से ऑफेयर हो चुका है। और गाइस जब से ये ऑफेयर हुआ है तब से फैंस काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं कि आखिर इस टीवी शो को क्यों ऑफेयर किया गया, क्या रीज़न है कि भाई इस टीवी शो को ऑफेयर कर दिया गया, और आखिर क्या इसका सीजन 2 हमको देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इस टीवी शो को क्यों ऑफेयर किया गया। तो देखिए गाइस जो इसका टीआरपी है काफ़ी ज़्यादा कम आ रहा था, और गाइस अगर मेरे ख्याल से देखा जाए तो भाई इसका टीआरपी मेरे ख्याल से अच्छा खासा आ रहा था भाई, 0.8 0.9 कोई ख़राब टीआरपी नहीं है। फिर भी गाइस कलर्स टीवी के हिसाब से ये अच्छा टीआरपी नहीं है, कलर्स टीवी जो भाई मानता है वो मानता है, तो इसलिए भाई कलर्स टीवी को इस शो को ऑफेयर करना पड़ा और फाइनली ये शो ऑफेयर हो चुका है। अब गाइस बात करते हैं कि क्या इसका सीजन 2 हमको देखने को मिल सकता है। तो देखिए गाइस इसके सीजन 2 के बारे में मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि गाइस ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आप इसके सीजन 2 के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या इसका सीजन 2 आएगा या फिर नहीं आएगा, तो आप इस वीडियो के नीचे जाइए, उसमें कमेंट कीजिए। कल या परसों तक मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगा इस टॉपिक पर कि इसका सीजन 2 आएगा या फिर नहीं आएगा। और गाइस मैं आपको जो भी बताऊंगा एकदम रियल बताऊंगा, कोई भी आपको फेक बात नहीं बताऊंगा, क्योंकि गाइस अगर मैं फेक बताऊंगा तो भाई उससे मेरा ही नुकसान है, मेरा ऑडियंस ही नहीं बनेगा। तो भाई आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं चारों ओर से भाई रिसर्च करके आपको बताऊंगा कि इसका सीजन 2 आएगा या फिर नहीं आएगा। तो जाइए फटाफट से कमेंट कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, और ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक ले गाइस बाय एंड टेक केयर।